बाबा महाकाल की नगरी में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ आरोपी ने दिन दहाड़े फुटपाथ के किनारे एक महिला को अपनी हवस का शिकार बना लिया और लोग मदद करने के बजाय इसका वीडियो बना रहे थे। रेप का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बवाल मच गया। वीडियो वायरल होने के बाद तुरंत पुलिस भी हरकत में आ गई। मामले का संज्ञान लेते हुए पीड़ित महिला को पुलिस थाने लेकर आई। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने FIR दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। एक कोयला फाटक में एक दुष्कर्म की घटना का एक वीडियो हमारे पास आया था। तत्काल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जो पीड़ित महिला है उसके थाना लाया गया और उसकी शिकायत पर FIR दर्ज की गई है, जिसमें बताया गया कि एक युवक था जो कि कोयला फाटक कलारी के पास उसको मिला था, जिसने उसे शादी का प्रलोभन दिया कि हम तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर अपने साथ रखेंगे और तुम हमारे साथ में रह लो और ऐसा करके, और संबंधित ने उसको मदिरा पिला दी और उसके नशे में उसके साथ में गलत काम किया और उसके बाद फिर उसको धमकी दे के और भाग गया। महिला की शिकायत हमारे तक आई, FIR दर्ज की गई और संबंधित आरोपी को गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इस घटना ने एक बार फिर से MP को शर्मसार कर दिया है। यहाँ दिन दहाड़े भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसे लेकर कांग्रेस ने मोहन सरकार पर सवाल उठाए हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर सरकार एक बार फिर फेल हो गई है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जो रेप कांड हुआ उसको लेकर आंदोलन कर रही है। मध्य प्रदेश में रोज 18 बहनों के साथ किसी न किसी प्रकार के बलात्कार, अत्याचार, अनाचार होते हैं। हद तो तब हो गई जब उज्जैन मुख्यमंत्री का अपनी कॉन्स्टेंसी में सार्वजनिक स्थान पर फुटपाथ पर एक बहन का रेप कर दिया। क्या हालात है मध्य प्रदेश के? क्यों मौन है मुख्यमंत्री? क्यों मौन है शिवराज सिंह चौहान? क्यों मौन है भारतीय जनता पार्टी? क्यों नरेंद्र मोदी जी को एक शब्द भी इस पर बोलते नहीं आता है? सवाल ये है कि लॉ एंड आर्डर में मध्य प्रदेश जंगल राज आ गया है। वो किसी भी परिस्थिति में नया ST SC बहनें या व्यापारी या आमजन सुरक्षित भी नहीं है, और बहनों के साथ जो बलात्कार और अत्याचार मध्य प्रदेश में होता है देश में कहीं नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी, संज्ञान में लाओ, देश के गृहमंत्री संज्ञान में लाओ। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आंदोलित है बंगाल की घटना को लेकर। जरूर वहाँ पे जो घटना हुई विभत्स है, अपराधियों को फांसी होना चाहिए, पर मध्य प्रदेश की ओर भी तो देखो कि यहाँ हालात क्या है। मध्य प्रदेश में हालात बस से बदतर है। दरअसल ये घटना उज्जैन के कोयला फाटक की है। यहाँ पीड़ित महिला कबाड़ बिनने गई थी, जहाँ उसे आरोपी मिला था। आरोपी ने महिला से शादी करने की मीठी मीठी बातें की। महिला आरोपी की बातों में आ गई। आरोपी ने महिला को धोखे से शराब पिलाई और सड़क किनारे उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है, तो वहीं अब पुलिस वीडियो बनाने वाले शख्स की तलाश कर रही है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट, MP तक।